चीनी मिलों का नया सत्र शुरू हो चुका है। एक बार फिर गन्ना किसान अपनी एकमात्र नकदी फसल को बेचने के लिए तैयार। कितना पर्ची बकाया होगा आपका? 21,000 रुपए, मतलब 3 ट्रॉली का पैसा आपका कम से कम बकाया। 3 बैलगाड़ी का। किस तरह की समस्या आती है जब पैसा नहीं मिलता है? तो पैसा नहीं मिला था, मेन चीज पैसे है और का है। पैसा नहीं मिला था तो खेती नहीं हो पावत है। कितने बीघे खेती होगी आपकी? 18-20। कितना बकाया होगा? 80,000। कितने ट्रॉली का पैसा होगा? ये 4 ट्रॉली। 4 ट्रॉली। आपके पास इसके अलावा कोई आय का साधन है गन्ने के अलावा? और कोई साधन है? गन्ने के भाई, गन्ने खेती है। गन्ना बोया थे हर वर्ष कोनो मेर के हो थे मुझ कमाई धमाई कर, या कोनो मेर खेती कराया था और कहा करा जाए जब नहीं गन्ना पैसा मिला था। कितने बीघे खेती होगी आपकी? है 1.5 से 2। तो आपका, आप बड़े काश्तकार हैं तो इसका मतलब ज्यादा पैसा बकाया होता होगा आपका। अच्छा, और पहले कटका रहा जैसे ये अरली गन्ना नाम के कहीं, तो पहले हुक्मा कटका रहा। और गन्ने की फसल का पैसा जब समय से नहीं मिलता है तो परेशानी है। जैसा कि आपने देखा कि गन्ने की फसल का पैसा जब नहीं मिलता है तो किसानों को परेशानी होती है, और वो अपनी एकमात्र नकदी फसल पर इस तरह से डिपेंड है। या छोटा काश्तकार हो यहाँ पर या बड़ा काश्तकार हो, वो सभी लोग गन्ने के ही खेती पर डिपेंड है। ऐसे में जब अधिकारियों से बात की जाती है तो वो बहाना बनाते हैं। वो कहते हैं कि शासन द्वारा पैसा निर्गत किया गया है, चीनी मिलों को सहायता दी गई है, जो पैसा बकाया है किसानों का वो जल्द से जल्द दिया जाएगा। लेकिन वो कब दिया जाएगा ये ना तो कोई तारीख तय की जाती है और ना ही मुख्यमंत्री के आदेशों का ही पालन किया। बलरामपुर से मैं योगेंद्र पाठी, ईटीवी भारत के लिए।